हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है लिव लव राइट, और मैं हूं आपका होस्ट अंकुश। तो गाइस, काफ़ी समय के बाद, काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। और वीडियो बनाने का भी जो मेरा मोटिव है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ आई है जो भेजी है मुझे स्टील बर्ड ने। तो हाँ जी, स्टील बर्ड ने अपना एक नया हेलमेट लॉन्च किया है, और उस हेलमेट के बारे में आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपको उस हेलमेट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का हेलमेट है और कैसे हमें वो रिसीव हुआ है। तो चलिए, पहले हेलमेट की हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह से मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था। ये देख सकते हैं, स्टील बर्ड हेलमेट्स, और ये सारा शायद आपको भी ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग ऐसा है, क्योंकि इसमें आपको हेलमेट की पैकिंग भी काफ़ी अच्छे को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको ये अलग से ये किट मिलती है। और ये क्या है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने इस हेलमेट को बाहर निकाल लेता हूँ बॉक्स से। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पैकिंग के साथ बहुत प्रीमियम लुक है। और ये देखिए, कुछ इस तरह के ये पाउच में मिलता है, हेलमेट पाउच में। तो आपको हेलमेट रखने के लिए भी अच्छी जगह मिल जाएगी। चलिए, इसको हम खोल लेते हैं फटाफट से। तो ये देखिए, इसके बाद आता है आपका ये दूसरी लेयर प्रोटेक्शन की, और मेन चीज आ गई गाइस, ये वाव, आप एक बारी हेलमेट की लुक देखिए। क्लोजअप दिखाता हूं मैं आपको। एरोनॉटिक्स हेलमेट है, और SA2 इस हेलमेट का मॉडल नंबर है। और सबसे अलग चीज, खास चीज मैं इस हेलमेट के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे अभी आप देख सकते हैं नॉर्थ में, हिमाचल में जो आपका एरिया है, स्पीति है, और जो लद्दाख जैसा एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा जो मोस्टली राइडर्स को दिक्कत आती है वो आती है ठंड की। और ठंड में तो आप अच्छी जैकेट पहन सकते हो, नीचे आपने अच्छा लोअर पहन लिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो ये जो हमारा नेक एरिया रह जाता है, जो हम कॉलर ऊपर करते हैं शर्ट के, जैकेट के, लेकिन फिर भी ये जो एरिया रहता है जहाँ से चिल्ड हवा जो रहती है वो अंदर जाती है। तो उसी का सोल्यूशन इस बार स्टील बर्ड ने निकाला है, और बहुत अच्छे से निकाला है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो खास चीज़ क्या है, और ये रही आपके सामने, ये देखिए गाइस, या देख सकते हैं कि ये एक तरह की यहाँ पे जिप्पर है, और जिप्पर के साथ ही स्टील बर्ड ने ये एक कवर यहाँ पे लगा के दिया है नेक के लिए, जो फ्रंट साइड और बैक से चारों तरफ से आपके जो ये नेक वाला एरिया रहता है जहां से ठंडी हवा अंदर जाती है वहां से हवा लगने में आपको बचाएगा। काफी बढ़िया चीज लगी मुझे हेलमेट में, और आई गेस मैंने आज तक किसी भी ब्रांड में, किसी भी ब्रांड का कोई हेलमेट ऐसा नहीं देखा जो इस तरह के फीचर के साथ आया हो, और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज इन्होंने यूनिक दी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है। और इस ये जो लाइनिंग है, ये जो कवर है, इसके साथ में ये देखिए, आपको यहाँ इस वाइजर पे आपको दोनों तरफ ये पॉइंट मिल जाता है, जिससे क्या है कि अंदर जो आपके ये जो वाइजर रहता है, विंटर्स में जो मोस्टली दिक्कत रहती है, इस पे अंदर फोग एरिया हो जाता है, सारा फोग अप हो जाता है। तो इसमें आपका हेलमेट भी है, वाइजर भी है, फोग जो इसमें है फोग नहीं होने वाली है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, इसमें वेंट्स बहुत अच्छे और ज़्यादा वेंट्स दिए गए हैं। अगर आप जैसे हम इसको टोटली बंद करके पहनेंगे तो अंदर अगर फॉग होता भी है, अगर बनता भी है, तो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली सारा बाहर निकल जाएगा। तो चलिए, एक बारी मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसको खोला नहीं था, आज फर्स्ट टाइम इसकी अनबॉक्सिंग करी है। तो जितने सरप्राइज आप हो उतना ही सरप्राइज मैं भी हूँ। और ओके, यहाँ पे आपको एक लॉक मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से लॉक मैकेनिज्म है, और ऐसे करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। इसको बंद करिए, ये लॉक कर दीजिए,
तो इस तरह का आपका वाइजर भी है। कई बार क्या होता है कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, बहुत फास्ट आपने बाइक चला रखी है, कुछ भी है, तो आपका कई बार वाइजर खुल जाता है, तो उसमें क्या है ये इसको वाइजर को लॉक रखेगा। तो चलिए पहले तो सबसे पहले मेन चीज़ मैं इसको उतारता हूँ, ये जो फिल्म इसके ऊपर लगी हुई है। साइड में बैठ जा, तेरा काम खत्म हो गया। तो ये है गाइस एक हेलमेट की प्रॉपर लुक, आप देख लीजिए। और मैं एक बार अंदर से भी आपको दिखा देता हूं कि कैसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए अब मैं इसको एक बार आपको पहन के दिखाता हूँ कि इसको पहनना कैसे है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक जिपर लगा है, और जिपर को नॉर्मली जैसे हमारी जैकेट में जिप रहती है, सेम वही जिप है, तो ये खुल गया। और इसके बाद मेरे जैसे बंदे के लिए दिक्कत है भाई, पहले चश्मा उतारो और इसको पहन। फर्स्ट टाइम पहन रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सी दिक्कत अगर आ सकती है तो वो यहीं आएगी, नहीं आई तो ये देखिए हेलमेट को आप अपने बॉडी में सेट कर लो। और सेट करने के बाद ये इस तरह से आपके नेक्स को सपोर्ट करने वाला है, जो कि बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। देखिए चारों तरफ से आप देख लीजिए, और अब वाइजर को बंद करता हूँ। फिटिंग बहुत अच्छी है गाइस। और दूसरा इसका बेनिफिट आपको ये भी मिल सकता है कि कोई भी जैसे मधुमक्खी ले लो, कुछ भी है हाईवे पे यहाँ से अंदर घुसता है, तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, तो सेफ्टी वाइज भी अच्छा है। और ठंड के टाइम में तो भाई ये तो बिल्कुल प्लस पॉइंट हो गया राइडर्स के लिए। तो बस अब एक राइडिंग जैकेट पहन लीजिए और साथ में इसको जैकेट के अंदर लॉक कर लीजिए, तो बिल्कुल भी आपको ठंड लगने का कोई भी चांस नहीं है। तो चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए जस्ट इसको आपको खींचना है और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। और इसके साथ गाइज हमें ये देखिए एक जिपर यहाँ भी मिलता है कि सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लाइनर उतारना है और इसके उतार के इसको चलाना है, तो जस्ट यहाँ पे भी एक जिपर सिस्टम है, बहुत अच्छा और प्रीमियम है। ऐसा नहीं है कि लोकल सा लगा दिया हो, नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है। और ये आपका हेलमेट नॉर्मल हो गया, और ये आपका जो है वो लाइनर जो था वो बाहर निकल गया। तो इस तरह से है। और साथ में गाइस अब वो दूसरी चीज़ जो दूसरा बॉक्स इसके साथ में आया है, एक बारी उस पर भी नज़र डालते हैं कि उसके अंदर क्या है। गाइज ये जो लाइनिंग इस टाइम लगी है ये है विंटर लाइनिंग, तो एक बारी विंटर लाइनिंग मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ किस तरह से है। और इस लाइनिंग में आपको, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर इस तरफ आपको अंदर स्पेस दिया गया है प्रॉपरली, ताकि अगर आपको अपने जो राइडर्स हैं वो अपना ब्लूटूथ इंटरकॉम इस पे लगाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए इसको अब मैं साइड रखता हूँ। ओके तो गाइस इस हेलमेट को टू इन वन हेलमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टील बर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है कि उन्होंने इस हेलमेट के साथ में गाइस आपको एक समर लाइनिंग भी आपको प्रोवाइड करी है, ताकि आप इसको विंटर्स में तो यूज़ कर ही सको लेकिन गर्मी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी वो समर लाइनिंग जो कि साथ में दी गई है।
और निकालना इसको बहुत इजी रहता है, जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। जस्ट आपको ऐसे रिमूव करना है ये सारी आपकी जो लाइनिंग है इस तरह से, यूं देखिए बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकाल के जस्ट आपको ये दूसरी लाइनिंग अपनी प्लग इन करनी है। सिंपल प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है गाइस। तो गाइस ये था एक छोटा सा एक वीडियो इस हेलमेट के ऊपर, और बहुत अच्छा हेलमेट है, बहुत प्यारा हेलमेट है, बहुत अच्छे फीचर के साथ स्टीलबर्ड ने लॉन्च किया है। बिग थम्स अप टू स्टीलबर्ड हेलमेट्स जिन्होंने राइडर्स के लिए इतना सोचा, क्योंकि कई बार जो राइडर्स हैं उनको कोल्ड स्ट्रोक आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि नीचे तो वो पूरे पैक रहते हैं लेकिन हवा जो है इस चिन के रास्ते और आपके सर को लगती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा इसमें क्या प्लस पॉइंट मिलेगा राइडर्स को कि जो विंड नॉइस आता है, जो हेलमेट के यहाँ से हवा जाती है जो आपके माइक पे लगती है, तो गाइस वो भी बिल्कुल ज़ीरो होने वाली। तो इसका एक राइड रिव्यू मैं बहुत जल्द एक छोटा सा 2-3 मिनट की वीडियो बना के वो भी डालने वाला हूँ, और इसके ऊपर किस तरह से हम चिन माउंट लगा सकते हैं गोप्रो के लिए, तो जल्दी वो वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो गाइज मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड हेलमेट है, आप इसको परचेज कर सकते हो, बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।